लॉकडाउन बढ़ने के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आरबीआई लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी मॉरेटोरियम की सुविधा को बढ़ा सकता है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने उम्मीद के मुताबिक एक बार फिर इस सुविधा को 31 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुल 6 महीने तक पर्सनल, ऑटो, होम, बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड की मासिक किश्त यानी ईएमआई देने से बच सकते हैं। आपको बता दें कि बीते 27 मार्च को आरबीआई ने पहली बार बैंकों से ईएमआई भुगतान टालने यानी मॉरेटोरियम को कहा था। इसके बाद बैंकों ने 3 महीनों के लिए अपने ग्राहकों को ईएमआई भुगतान टालने की छूट दी है, लेकिन अब इस छूट को अतिरिक्त 3 महीने यानी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। अगर आप पहले से ही मॉरेटोरियम की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तो इसे अतिरिक्त 3 महीने के लिए बढ़वा लीजिए। वहीं अगर आप इस सुविधा से जुड़ना चाहते हैं तो अपने बैंक से संपर्क कीजिए। कोरोना संकट काल में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी चली गई है या फिर सैलरी में कटौती कर दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों ने उस कारोबार के लिए लोन ले रखा है जो अब ठप है। ऐसे लोग ईएमआई मॉरेटोरियम की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी मासिक किस्त टाल कर पैसे की तत्कालिक किल्लत से निजात पा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की आय पर फर्क नहीं पड़ा है उन्हें अपनी ईएमआई समय पर देनी चाहिए। अगर आप ईएमआई मॉरेटोरियम की सुविधा ले रहे हैं तो आपको तत्कालिक राहत जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ब्याज के तौर पर इसकी अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी। दरअसल मोहलत अवधि के दौरान जो भी बकाया राशि है उस पर ब्याज जुड़ता रहेगा। मतलब ये हुआ कि ब्याज आपसे अतिरिक्त ईएमआई के जरिए लिया जाएगा। ईएमआई मॉरेटोरियम सुविधा लेने पर आपको अतिरिक्त रकम चुकानी होगी। मान लीजिए अगर आपने SBI से 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है और इसे लौटाने की अवधि 15 साल बची हुई है, ऐसे में अगर आप 3 महीने की मोहलत अवधि का विकल्प चुनते हैं तो 2.34 लाख रुपए के करीब अतिरिक्त ब्याज आपको देना होगा। ये 8 EMI के बराबर है। इसी तरह 6 लाख रुपए का कार लोन अगर आपने ले रखा है और उसे लौटाने के लिए 54 महीने का समय बचा है तो आपको 19,000 रुपए करीब अतिरिक्त ब्याज देना होगा, जो 1.5 अतिरिक्त ईएमआई के बराबर है। ईएमआई मॉरेटोरियम की सुविधा के साथ बैंक ग्राहकों को कुछ विकल्प भी दे रहे हैं। पहला विकल्प उन ग्राहकों के लिए है जो मार्च से ही इन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ग्राहक मॉरेटोरियम पीरियड में किस्त नहीं देने पर जो ब्याज बनता है जून में उसका एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं। वहीं एक विकल्प ये भी है कि इस दौरान जो भी ब्याज बने उसे लोन की बाकी रकम में जोड़ दिया जाए और उसे बची हुई ईएमआई के बराबर बांट दिया जाए। इससे आपकी ईएमआई बढ़ेगी लेकिन लोन भुगतान की अवधि में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक अन्य विकल्प ये है कि ईएमआई स्थिर रहे और लोन की अवधि बढ़ा दी जाए। मान लीजिए कि आपको अपने लोन की ईएमआई 12 साल तक देनी है तो आप इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। इस दौरान ईएमआई तो स्थिर रहेगी लेकिन लोन अवधि खत्म होने के बाद अतिरिक्त महीनों में भी आपको किश्त देनी होगी। अगर आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो पहले ही की तरह सामान्य तौर पर ईएमआई कटने दें। अगर किसी वजह से आपकी ईएमआई नहीं कट रही है तो बैंक से संपर्क कर इसकी वजह पूछ लें। अगर आप ईएमआई मॉरेटोरियम की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। इसके अलावा बैंक की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी मदद ली जा सकती है। आपको बता दें कि ईएमआई मॉरेटोरियम की सुविधा बैंक तभी देंगे जब ग्राहक की अनुमति होगी। अमर उजाला.com